नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे डिस्कस का विषय है ब्रेक। ब्रेक मतलब अवरोध या रुकावट। अब आप ये सोचेंगे कि ये भी कोई सब्जेक्ट है डिस्कस करने के लिए, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ब्रेक हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। ब्रेक मतलब अंतराल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रेक यानी रुकावट, अवरोध, बार बार किसी चीज़ से किसी वजह से आपका रुक जाना, इसके विषय में बात कर रहा हूँ। तो क्यों हमारे जीवन में ज़रूरी है ब्रेक, तो आइए हम इसी पर डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऑप्शन को भी ऑन कीजिए ताकि मेरे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का विषय। एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि बताइए कि हमारी गाड़ियों में ब्रेक क्यों होते हैं। तो सभी स्टूडेंट ने डिफरेंट आंसर दिए। किसी ने बोला कि गाड़ी में ब्रेक इसलिए होते हैं कि हम गाड़ी को रोक सकें। किसी ने बोला कि गाड़ियों में ब्रेक इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। किसी ने बोला कि गाड़ी में ब्रेक इसलिए होते हैं क्योंकि हम टक्कर से कोलाइजन से बच सकें। लेकिन पता है आपको जो सबसे सही आंसर था वो क्या था कि गाड़ी में ब्रेक इसलिए होते हैं कि हम गाड़ी को तेज चला सकें। अब आप सोचेंगे कि भला ये कोई आंसर हुआ, गाड़ी को तेज चलाने में ब्रेक कैसे मदद करेगा। तो जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि आपको पता हो, सपोज करिए आपको पता हो कि आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो क्या आप गाड़ी को तेज चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको हमेशा डर रहेगा कि गाड़ी अगर मैं तेज चलाऊंगा तो हो सकता है मेरी कहीं टक्कर हो जाए, मैं किसी से भिड़ जाऊं, ऐसा बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल आप सोचेंगे। इस सोच के कारण आप गाड़ी को तेज नहीं चला पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत, अगर आपको पता हो कि मेरी गाड़ी में ब्रेक अच्छे हैं तो आप अपनी गाड़ी को अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी तेज स्पीड कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरी गाड़ी में ब्रेक अच्छे हैं, मैं कभी भी गाड़ी को रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार गाड़ी की स्पीड तेज कर सकते हो और अपनी डेस्टिनेशन तक, अपनी गंतव्य तक आसानी से और जल्दी से पहुँच सकते हो। क्योंकि और बाय द वे अगर कोई ऐसी स्थिति आई, एक्सीडेंट की कोई स्थिति आई, तो आपको पता है ना कि आपकी गाड़ी में ब्रेक है, आप ब्रेक का इस्तेमाल करोगे, आप इन चीज़ से बच सकते हो, इसलिए गाड़ी में ब्रेक होते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन के अलग अलग मोड़ पर जब हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारे मेंटोर्स, हमारे वेल विशर्स, हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं और हमसे हमारी उन्नति के बारे में, हमारे निर्णयों के बारे में, हमारे डायरेक्शंस के बारे में क्वेश्चंस करते हैं या टोकते हैं, कुल मिला के आप इसको ये भी कह सकते हैं कि टोकते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है कि ये हमारे मार्ग में या हमारे उन्नति में बाधक है, ये हमारे रोड़े हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं प्रश्नों के कारण, इन्हीं रुकावट के कारण, इन्हीं रोक टोक के कारण ही आप अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हो। जरा सोचिए, अगर ये लोग, यानी कि आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स या आपके मेंटोर्स, आपको जीवन के हर एक मोड़ पर आपके गलत निर्णयों, आपके गलत रास्तों पर गाइड ना करें, तो क्या होगा? आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इन ब्रेक्स को मतलब ये जो जिन लोगों के मैंने बारे में बताया है, इन ब्रेक्स को अपने जीवन में जगह दीजिए, अपने जीवन में उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो रोक टोक है, उसकी सराहना कीजिए, क्योंकि ये रोक टोक और ये ब्रेक्स ही आपको जीवन में सफल बनाने में बहुत मदद करते हैं। जिन लोगों के जीवन में ये ब्रेक्स नहीं होते हैं, उनका जीवन बेकार होता है, उनका जीवन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उनके गलत निर्णयों को टोकने वाला कोई नहीं होता, उनके गलत रास्ते पर जाने को रोकने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो इंसान भटक जाता है और भटका हुआ इंसान कभी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आपसे सभी से विनम्र निवेदन है कि इन ब्रेक्स का आप ध्यान रखिए और इन ब्रेक्स को आप टाइम टाइम पर धन्यवाद जरूर करिए। जय हिंद।